हेलो दोस्तों, आज हम घूमने जा रहे हैं टाउन पार्क। टाउन पार्क घूमने कोई मन तो नहीं था, पर इस गाड़ी में बैठे सबसे ओल्ड मैन यानी कि सबसे छोटे बच्चे के जितनी कि हमें टाउन पार्क जाना है। मिले इनसे, ये मिस्टर दक्ष योगी। बच्चे कहाँ जा रहे हैं आप? टाउन पार्क। क्या करने जा रहे हो? फोटो खींचने। और क्या करने जा रहे हो? और घूमने। ओके, ये कह रहा मुझे वहाँ पर फोटो खिंचवाने हैं और घूमने जाना है, तो इसी की जिद्दी। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। इस समय हम पहुंच चुके हैं खेड़ी पुल, आप देख सकते हैं इस साइड में पड़ता है खेड़ी पुल का थाना। ये नया पुल बन रहा है खेड़ी पुल का। हम पहुंच चुके हैं टाउन पार्क। गाड़ी को यहां पार्क कर देते हैं और मिलते हैं आपसे अंदर पार्क में। देखो दक्ष योगी को कितना खुश है, सबसे ज्यादा मजे यही लेने वाला है, बहुत खुश है टाउन पार्क आने पर। ये इसका मुख्य द्वार, और आइए देखते हैं अंदर के दृश्य। अंदर एंट्री करने से पहले आपको यह मिलेगा कल्पवृक्ष वाटिका। और सामने उधर देखोगे रुद्राक्ष वाटिका। समय हम खड़े हैं फ्लोर क्लॉक के सामने। कैसा भी मौसम हो ये घड़ी हर समय चलती रहती है। इस समय खड़े हैं हम जननायक चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा के सामने। अरे तुम इधर कहाँ खड़ी हो रहा है? इधर खड़ी हो ना, झंडा आ रहा ना तुम्हारा। अबे खड़ी हो इधर, गड़ा बोल। खड़ी बोलने क्या दिक्कत? ये एक अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर को हर समय सेल्फी बच्चे लेते ही रहते हैं। कोई भी आओ यहाँ पर सेल्फी लो, अच्छा ही एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर इसका झंडा खोल दिया है। और इस समय आप देख रहे हो फरीदाबाद का सबसे ऊंचा तिरंगा, पर इस समय तिरंगा फिलहाल है नहीं। तो हम यहाँ पर आए टाउन पार्क और कुछ बच्चे यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे। ज़रा उनसे पता करते हैं उनको कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद, और वो कितने बार आ चुके हैं। क्या नाम भाई आपका? भाई आंसू। आंसू कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से तो पहली बार आए, पहले कभी आए हो? दो बार आया है यहाँ। कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद? आना भाई बढ़िया लगता है, अभी तो आते हैं। क्या चीज़ अच्छी लगती है यहाँ की? अच्छी चीज़ तो बताने वाली नहीं, सारी अच्छी चीज़ें। सारी चीज़ अच्छी है, इनको सारी चीज़ अच्छी लगती है। आप क्या नाम भैया? मेरा नाम यश। यश आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। आप भी दिल्ली से हो, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद? बहुत बढ़िया लगता है। तो
कितना टाइम लगता है आपको दिल्ली से आने आने पर? 40 मिनट। 40 मिनट में आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। पहली बार आए हैं तो आप देख सकते हैं दिल्ली और आसपास के जितने इलाके हैं सबसे दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, और सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। आप देख सकते हो हर समय यहाँ पर क्राउड रहता है, फैमिली के साथ अपने सब आते हैं और इन्जॉय करते हैं। अगर आप बच्चों को भी साथ में लाते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चों के लिए अलग से झूला है यहाँ पर, बच्चे अलग ही मस्ती करते मिलेंगे आपको। फोटो के साथ यहाँ बड़े भी मस्ती करते हुए मिलते हैं, ये देखो ये देखो। अगर करन लिया तुम ना गिरते था। भाई कितने की है भेलपुरी आपकी? 10 रुपये और 20 रुपये की। आप कभी यहाँ पर आओ, अगर आपका मन करे कुछ खट्टा तीखा खाने का तो आप भेलपुरी यहाँ पर खा सकते हो, जिसकी कॉस्ट है 10 रुपये और 20 रुपये। अगर आपका मन करता है गोलगप्पे खाने का तो आप यहाँ गोलगप्पे भी खा सकते हैं। कितने रुपये प्लेट है भाई? 20 रुपये। कितने गोलगप्पे हैं 20 रुपये के? हाँ जी, 8 गोलगप्पे 20 रुपये के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और देखते हैं चेक करके कैसा ये टेस्ट बनाते हैं। और ये हमारे दक्ष योगी एंजॉय करते हुए। कौन सा गाना गा रहे हो आप? फरीदाबाद सेक्टर 12 का टाउन पार्क बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कोने में अलग अलग एक्टिविटी होती रहती हैं, जैसे कि बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन जिम का प्रबंध है, अगर आप आसपास के इलाके में रहते हैं तो आप यहाँ ओपन जिम एक्सरसाइज का आनंद भी ले सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखाया जाए। अगर आपको भूख लगती है तो आप आराम से यहाँ बैठकर खाना खा सकते हो। अगर यहाँ से भी आप कुछ लेना चाहो खाने के लिए तो यहाँ से भी ले सकते हो, अगर आप घर से कुछ लाना चाहो तो घर से भी ला सकते हो। अगर आप बच्चों के साथ आते हो तो बच्चों को खेलने का खिलौने सारे आपको यहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल जस्ट मेन गेट के सामने। तो ये था सेक्टर 12 का टाउन पार्क। आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना, और आगे आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। राधे राधे।